आज देश भर में देखा जाए तो घरगुती हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, फिर वो मारपीट की हो, दहेज की हो या जमीन के बंटवारे की हो। तुमचं लग्न कधी झालतं काय? माझं लग्न 99 साली झाले। आमचं मिस्टर वारल्यात तर 4-4 वर्ष चालू आहे। तर मी भाजीपाल्याचा धंदा करून असंच पोरांना लहान मुलं आहेत असंच सांभाळते आपले। जो सुनीता गए 4 साल से अपने पति के खेती में बंटवारा मिलने के लिए जूझ रही है, उसे अभी तक कुछ मिला नहीं है। ऐसी ही समस्या मैं आपको मेरे वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। तुम्हारा कौन शेती देत नहीं है तिकडची? दीर शेती देत नहीं। काय म्हणतो दीर? दीर म्हणतो 8.5 लाख तक तवाची जमीन देतो। कशाचे पैसे मागतोय तू? नवऱ्याला खर्च झालेला। मग आता ती शेती कोण करतंय? दीरच करतो। तुम्हाला उत्पन्न पण काय देत नाही? नाही नाही काही देत नाही। मग तुम्ही आता राहिला कुठे? मी मानकीते। म्हणजे सासरी का माहेरी आहे? माहेरी। मग तुम्हाला माहितीये का की म्हणजे सुनीताला पण अर्धी इस्टेट मिळेल तिकडची, असा कायदा आहे? काही कायदा माहिती, पण आता काय करायचं? आमची ताकद आहे का तेवढी करण्याची? काय तुम्हाला काय वाटतं तिला काय मदत द्यावी आम्ही? आता तुमच्या मनाने काय मदत द्यायची ती द्या तुम्ही, आम्ही तर मला तरी काय सांगता येणार मूर्छ काय आहे त्यांच्या नशिबाचा भोग ते। जब मैंने मानकी गांव में जाके निर्भया के वीडियो का स्क्रीनिंग किया, तब सुनीता ने उठ के अपना मुद्दा बोला। तब वो बोली कि जैसे निर्भया को न्याय मिला है वैसा मुझे मिलना चाहिए, जिसके कारण अगर मुझे खेती मिली तो मैं खुद का और अपने बच्चों का उधर निर्वाह खेती में काम करके कर सकती हूँ। हम सब मिलके सुनीता को खेती में बंटवारा मिलने के लिए माननीय तहसीलदार संजय पाटिल इनको 02115222331 इस नंबर पे कॉल करके मदद कर सकते हैं। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के मंडकी गांव से, इंडिया अनहड़ के लिए।